हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में टॉपिक करेंगे संज्ञा। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर क्या आएगा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या आएगा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्तर क्या आएगा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, जैसे राजा, राज, ताजमहल, रजनी आदि। यानी किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा। सेकंड क्या है हमारा संज्ञा का भेद, जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे घोड़ा घास खा रहा है, यहाँ घोड़ा घास, क्या है ये जातिवाचक संज्ञा। एक बार फिर देखें, जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे घोड़ा घास खा रहा है। आगे दिया हुआ आपका भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे टॉपिक दिया हुआ आपका लिंग, लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, यहाँ पे मोर क्या है, पुलिंग जाति, तो क्या आएगा, मोर नाच रहा है, ये आप वाक्य क्या है, ये पुलिंग। आगे दादी कहानी सुना रही है, यहाँ पे दादी क्या है, स्त्रीलिंग, तो ये वाक्य कहाँ, कौन से लिंग में चला जाएगा, स्त्रीलिंग में, दादी कहानी सुना रही है। आगे प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, लिंग के कितने भेद होते हैं? उत्तर क्या आएगा, स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने वाले कराने के आधार पर लिंग के 2 भेद होते हैं। स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के 2 भेद हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग। आगे देखिए, पुलिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं। जैसे पिता, नौकर, घोड़ा, पेड़ आदि। आगे स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे दादी, लोमड़ी, टोकरी आदि। बच्चों, ये दोनों टॉपिक आपने अपनी फेयर नोटबुक में, हिंदी व्याकरण की फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। थैंक यू।